जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अभी मैंने अपनी चाय पी ली है, वीडियो भी अपनी एडिट कर दी है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और आज हमें जाना है ऑफिस। अभी मैं देख लेता हूँ किचन में क्या बनाया है। मम्मी आज आई थिंक करेले बना रही हैं, क्योंकि मेरी नज़र पड़ी थी जब मैं बाहर निकला था तो करेलों की तैयारी हो रही थी। तो मैं देख लेता हूँ किचन में क्या बन रहा है। करेला तो करेले तो मैं राइट था, मैं सही था। तो मम्मी आज करेले बना रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रखा हुआ है मम्मी ने कट करके। तो मैं बना रही करेले, उसके लिए मैं मैंने कढ़ाई चढ़ा दी। यहाँ पे तेल गरम हो गया। इसमें क्या क्या है, ये क्या है? ये है कच्चा आम, ये है प्याज, प्याज बहुत सारी काटी मम्मी ने। तो अभी करेला इसमें डाल दिया, इधर करेला रखे हैं और वो उधर मसाला रखा है करेला का। तो भर के बनाओगे ऐसे? तो ये ऐसे ही बनेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है। तो वो मीन ऐसे ही बनाएगी, फ्राई करके कच्चे। तो मैं मम्मी के पूरे करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। मम्मी बहुत अच्छे करेले बनाती है। तो ये दो तरीके से मम्मी बनाती है करेले। एक तो मम्मी भर के बनाती है करेला, और एक ये ऐसे ही जैसे आज बना रही है वो भी ऐसे ही बनाती है। तो ये करेले बहुत ही टेस्टी बने थे, तो मैं ऑफिस लेके गया था इनको। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा पूरी रेसिपी करेले की। तो अभी मम्मी ने ये करेले यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के फ्राई कर रही है मम्मी, क्योंकि ये फ्राई करके ही बनाएगी। फ्राई करने से क्या रहता है, मम्मी बोलते हैं कि इनका कड़वापन जो होता है वो हट जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुके हैं, तो मम्मी अब इनको निकाल लेगी। निकालने के बाद यहाँ पे मसाला भुनेगी। तो मम्मी ने अभी ये पूरे करेले यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं, तो मम्मी इनको एक साइड में निकाल लेगी। तो अभी यहाँ पे मम्मी ने डाल दिया सौंफ। तो ये सौंफ के साथ अभी ये जो मसाला था, यानी कि ये जो छिलके थे उसके, करेले छीले थे, तो ये भी मसाला मम्मी इसी के अंदर डालती है, तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी मम्मी ने ये भी फ्राई कर लिया है, दोनों चीज़ मम्मी ने फ्राई कर लिए हैं। अभी मम्मी ने ये साइड निकाल ली है दोनों चीज़ें। तो जो पहले तेल डाला था मम्मी ने, तो वो तो अभी जो फ्राई करे थे मसाला और करेला, तो उनमें लग गया था। तो अभी मम्मी ने दोबारा से यहाँ पे तेल डाल दिया था गरम करने के लिए, वो जो मसाला दोबारा से बनाएगी वो फ्राई करने के लिए। तो तेल डालने के बाद मम्मी ने डाला था इसमें सौंफ और प्याज और जो मसाला फ्राई करा था, तो वो एक साथ सभी मम्मी यहाँ पे फ्राई कर लेगी, भून लेगी। तो इसी के साथ साथ मम्मी यहाँ पे नमक डाल रही है, एक चम्मच हल्दी मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया है, लाल मिर्च यहाँ पे मम्मी ने ऐड करी है इसके अंदर। ये यहाँ पे मसाला है गरम मसाला, वो मम्मी यहाँ पे डाल रही है अभी। तो ये पूरा मसाला ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। सर मम्मी लास्ट में यहाँ पे सौंफ डाल रही है, सौंफ का पाउडर बना रखा है मम्मी ने, तो अभी मम्मी वो यहाँ पे डाल देगी। तो इससे क्या है, जो प्याज होती है और सौंफ का पाउडर होता है, उससे जो करेले रहते हैं वो बिल्कुल भी खट्टे नहीं लगते। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी हींग मम्मी ने यहाँ पे ऐड कर दी है, हींग का टेस्ट अच्छा आता है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी खुशबू लगती है मुझे, वो लगती है सौंफ की। जब सौंफ में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सौंफ की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो अभी यहाँ पे लास्ट में मम्मी ने डाल दिया है ये कच्चा आम, इससे खट्टापन आएगा करेले में। तो इससे भी कहते हैं कि जो कड़वापन होता है करेले का वो हट जाता है। तो थोड़ी सी हल्दी मम्मी को लग रही थी कम, तो अभी मम्मी ने वो ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा पानी मम्मी ने डाला जिससे ये मसाले अच्छे से भुन जाएं, क्योंकि करेले में पानी नहीं डालते हैं। तो अभी मम्मी यहाँ पे सिर्फ मसाला भुनने के लिए पानी डाला है। जैसे ही मसाला भुन जाएगा फिर यहाँ पे मम्मी करेले ऐड करने वाली है।
तो मम्मी बीच बीच में चेक कर रही थी, मसाला को ढक देती थी बीच बीच में, उसको चला देती थी बीच में। तो अभी ये फाइनली भुन गया है, अभी मम्मी यहाँ पे करेले ऐड कर देगी, वो भी फ्राई होके ही रखे हैं तो अभी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये जो फ्राई करके मम्मी ने रखे थे करेले, वो भी इसी में डाल दिए अभी। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे चेक कर लिया, तो ये हमारे करेले बन गए हैं। तो अब मैं ऑफिस ले जाऊँगा ये करेले, तो अभी निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, फिर मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगा। अभी ये करेले बन गए, हम निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। लंच में मैं ऑफिस को करेले लेके जाऊंगा, दही के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पैक कर लेता हूँ, फिर निकल जाएंगे हम ऑफिस के लिए। तो गाइस, कृत ने हमारी खातिरदारी करी है, ये हमें चॉकलेट दिए कृत ने, ठीक है। ये मेरे को खिलाएगा कृत, तो ये लेज है। तो आज मेरी खातिरदारी हो रही है कृत के पास, तो अभी चॉकलेट आई है, अब देखते हैं क्या आने वाला नेक्स्ट। तो कृत कल शॉपिंग करके लाया था, तो अब मुझे कृत दिखाने वाला है। अभी कृत मुझे शॉपिंग कृत दिखाने वाला मेरे को कि क्या है, क्या शॉपिंग करके लाए हो? ये दूध वाले चौको है, मैं बैक कर देता हूँ कैमरा, बंद बाय बंद दिखाएगा कृत। ये दूध के साथ खाते हैं, चौको पाए हैं। तो ये बिस्किट लाए हैं कितो, बेटा ऐसा मत दिखा, ऐसा मत दिखा। और ये देखो ये डेयरी मिल्क वाले चॉको बैग्स के, छोटू समय निकाल दे भाई, ये प्लीज सारा सामान इधर उधर हो जाए। तो ये यहीं से दिखा देते हैं हम, ये जमा हुआ है, ये निकाला नहीं जा रहा। ये क्या है? ये भाई साहब कृत के लिए, ये सब ये चिप्स आपने रखी है, या तो उसको खा लो, नहीं न्यू मत खोलो, उसको मत खोलो। तो मैं रोज आया करूंगा कृत के पास, तो कृत कह रहा है शॉर्ट्स बनाने की, तो अभी देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो हम शॉर्ट्स बनाते हैं। तो ये ओह टॉपकी, तो कृत ये शॉर्ट्स बनाने वाले हैं, तो ये अभी फेमस हो चुके हैं, इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, हम सोच रहे हैं कि वो मिलियन में पहुंच जाए, अभी शॉर्ट्स बनाते हैं। क्या नहीं कह रही? अच्छा जी, लगा के आए हो क्या दो पैग हैं? ये क्या खा रहे हो हैं? खजूरिया? ये क्या होता है, फल है? ये उंगली में क्या हुआ, उंगरिया में क्या हुआ? ये हमारे लाला की उंगरिया कट गई है, आ टूट जाएगी ये। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम दोस्तों।